हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएसएम स्टडलाइन। देखंतु आज आम आपचु किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट जोटा कि आपण मान बहुत 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 सारा आपण इम्पोर्टेंट रहिबो। तो निहाती आपण माने भिडियोटा को आरंभ शेष जाए देखंतु। जो माने कि जूनियर टीचर आसी अछंती तथा जो माने नवोदय परीक्षा पई अप्लाई करबा पई जाउछंती तथा आमे जे देखिबा प्रत्येक जिनिसर टिटबिट इनफॉर्मेशन आमे एठी आपण मानक शिक्षक मानक बारे मध्य रही अच्छे। तो देखिबा तो नवोदय विद्यालय समिति रु आसी गोटे लेटर जोटा कि आज का डेट रे 31/1/2023 आपण देखिपारे कौन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन जोटा कि GNVST 2023 एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट रिलीज फॉर नोटिफिकेशन इन रीजनल न्यूज पेपर रिगार्डिंग जोटा कि आपण देखिंट जहाँकि GNV जो मैंने अप्लाई करते जूनियर आपणकर जवाहर नवोदय विद्यालय से मानकर डेट एक्सटेंड जहाँकि पूर्व निर्धारित था जे आपणकर 31/1/2023 थिला वर्तमान ताकू एक्सटेंड कर दिया जाइछि जाकि 8/2/2023 पर्यंत एक्सटेंड कर दिया जाइछि। 8/2/2023 पर्यंत एक्सटेंड कर दिया जाइछि। तो निहाती आपण मन के बहुत गुडे इम्पोर्टेंट रहइबो जे माने कि वर्तमान पर्यंत अप्लाई कर पर नांती निहाती आपण माने अप्लाई करि नियंतु तापर देखिनबा ता परवर्ती अपडेट तापर आपण मान देखि परबे एटी देखंतु जोटा कि रहितिला आपणकर 31/12/2022 गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर जोटी की आसला कोर्टर आपण मान टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल डीआरसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आसला फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2022 आपण एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जोटा कि आपण लास्ट डेट के भी रही 31/1/2023 पर्यंत आपणकर एचआरएमएस आईडी पोर्टाल अपडेट करने कहि जहाँकि आपण मैंने निश्चय ये विषय ही करंतु 31/1/2023 भितर नहले आपणकर परे सैलरी हेल्ड अप हो पाए। तो निहाती एटा आपण मानक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आसंता काली होची लास्ट डेट तो आपण माने ताकु कोण कर नियंतु अपडेट करि नियंतु निजो एचआरएमएस आईडी रे तापर देख तापर एटा आपण मान देखि परबे दाबी रे जोटा कि ब्रह्मानंद सारंक तरफ रु आसीछि मेसेज टी न्यूटन को प्रथम नियम अनुसार बाह्य बल प्रयोग बिना स्थिर वस्तु जोटा कि स्थिर या वस्तु सब बेले स्थिर थाए और गतिशील वस्तु सब बेले गतिशील होता है निहाती एटा जरूरी अटे आईटा आपण मानक सकाशे उदाहरण स्वरूप दिखाई देखा कौन पर दिखाई जे आंदोलन व्यतीत आमर दाबी पूरण होबनी आंदोलन हेले स्थिर थिबा फाइल टी गति कर और गति करुथिबा फाइल टी क्षिप्र गति गति कर निहाती एटा आपण मानक स्वागत योग्य पदक्षेप तेंदु निहाती स्टेट टीम मान जेते बेले आपण मान सभापति मंडल जदि एटा चाहूछंती तो निहाती आपण माने आपण मानकर साहसटा आपण मानकर बलिष्ठता आपण मानकर साहसिकता निहाती शिक्षक मानकु आशा आकांक्षा आउ प्रेरणा जोगेबो जोटा कि आगामी दिन में आपण मानक सहित ए प्रकार सामिल हेबा पाई। तो निहाती ए प्रकार गले आपण माने आगु आपणकर दाबी हासिल करि पारि बोली आमे आशा करूछु। तो जाकि प्राथमिक शिक्षकर देउती रहिछि 4200 ग्रेड पे जोटा कि सेंट्रल पे ऑफ स्केल आउ ता सहित आपण माने 6 नेशनल इंक्रीमेंट आउ ओपीएस एटा आपणकर हे जइबो। तापर देखि नबा जे जूनियर शिक्षक नियुक्ति पय आसी अपडेट। तो जूनियर शिक्षक नियुक्ति पय आसी अपडेट। तो से अपडेट ता कोन जाने नबा जहा कि आपण मानकर जोटा कि सचिवालय रु आज जोटा कि शिक्षक आसाई माने अछंती से शिक्षक आसाई माने कोन करथिले आज विजिट करथिले आउ से सेठु से माने तार डिटेल्स लाइव ये आपण मैंने देखिपारे। तो मुझे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूसरी गोटे पर गोटे आपड़ देखते। तो अति कम दिन में आपणकर आजुक्ति आडियो को पूरा फास्ट रु शेष जाए देखते जहाद्वर कि आपने बुझीपारे। तो निहाती आपण मैं बहुत उपादेय हे ओडार सभी कनिष्ठ आशायी शिक्षक आशायी मान आज आम एक्चुअली ओस्टा तरफ आसीलु आम सेक्रेटेरिएट सचिवालय आप देख सचिवालय आसीलु आमर गणशिक्षा सचिव को आम देखा कलु तापर आम अवस्थी मैडम को तापर आम चीफ सेक्रेटरी सुरेश महापात्र को भी देखा कलु आसीलु जे आम फास्ट गणशिक्षा सचिव को देखा कलु कहल कहले कौन पर आसीच ना आम आस छ वर्ष होगा कनिष्ठ शिक्षक निजुक्ति ओडिशार होनी आम तो छ वर्ष ट्रेनिंग नहीं आसल कौन करें मैडम कहले जे हसिले देखिकी आहले कत दरकार तुम पोस्ट आहली जे तु छ वर्ष होगा पोस्टिंग बाहर आपण ना मत कह के दरकार तुम मुझे 15-20 हजार 20 हजार हेल्ला कौन दिंतु आ बहुत आसो
ଆଉ ତମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୁଅନି, ପୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତଥାପି ପଚାରିଲି କେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ସେମିତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଉ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ତଥାପି 2023ରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ନା 2023ରେ ମୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା ଜଣେଇଦେଲୁ ଯେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପିଲା ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକିରି ସେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନିଷ୍ଠ ଆଶାୟୀ ସଂଘର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବି ବିରକ୍ତ ହେବ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏତିକି କନିଷ୍ଠ ଶିଖେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ହସିଲେ କିଛି କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ତୁମର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସୁଛି 100%, ତୁମ 2023ରେ ପୋଷ୍ଟ ବସ୍ ଆସିବ। ଏତିକି ଆମେ କହିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ହାତରଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେଠି ବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲୁ, ସେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଯାହା। ସେ କହିଲେ ଆରେ ତୁମର କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନି କି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତ ଆସିନି ନା, ତୁମର ଆସିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କେବେ ଆସିବ ନା, ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ନା ଏବେ ଆସିବ, ଏଇ ମାନେ 2-3 ମାସ ୱେଟ୍ କରି ଆସିବ। ଆଉ ସେ ତ ଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଲେ କହିଲେ 15-20 ହଜାର ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନା ରେଗୁଲାର ନା ତୁମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍, ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିଁ ଆସିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ SST ବି ଯାଇଥିଲୁ, SST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ବେଶୀ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିହାତି ଟିଚର୍ ରିକ୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କରିଛୁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକୁଲିଟି, ଆଉ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ଆଉ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆମର ଓଇଷ୍ଟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିକାଶ ଦିଦି ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭଉଣୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାରେ ତୁମେ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ନିହାତି ଆସୁଛି, ତମେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଦିଅ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ ଏ କଥା କୌଣସି କଥାରେ ନ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ସେଥିକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କଲୁ ଆଉ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ୱିକ୍ଲି କି ୱିକ୍ଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରିବୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ମନିଟରିଂ।